नोएडा पुलिस थाने में कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जहां पे धमकाने का आरोप इन पर लगा है। खुद आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास हमारे साथ हैं। कुमार विश्वास, क्या कहेंगे आप इस पर? जी, मुझे आप ही के माध्यम से पता चला है। पहली बात तो एफआईआर है, तहरीर है, शिकायत है, इसका अंतर मुझे नहीं पता। दूसरा ये है कि जिस सज्जन के बारे में आप कह रही हो, मैंने तो उनका नाम ही सुना, कभी मिला मैंने न जाना। मैं आपके दर्शकों को बता दूं कि एक लड़की ने जो ये शिकायत की थी कि उसके फोटो, कुछ लोग फोटो लगा रहे हैं फेसबुक पे और आप आकर बाहर स्पष्टीकरण दीजिए, जिसमें एक वीडियो भी लीक हुआ था। एक आदमी कान में बोल रहा था ये बोलो ये बोलो ये बोलो, ऐसा बताया जा रहा है कि वही व्यक्ति हैं जो यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे हैं और कांग्रेस के एक स्थानीय नेता हैं, उन्होंने किया है। तो हो सकता है उनकी कोई व्यक्ति को, तो मैंने तो आज तक ना फोन किया, ना उनके पास मेरा नंबर भी नहीं होगा, या मेरे पास उनका नहीं है, ना मैं उन्हें जानता, ना मैं मिला कभी भी। और ये तो सामान्य बात है, चलता रहेगा। इसमें तो सबको मसाला मिलता है, उनको भी मसाला मिलता है, चैनल्स को भी खबर मिलती है और एक स्पेस उनका भरता है, तो इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? विश्वास जी, लेकिन यहाँ पे जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दायर की गई है, हमारे सहयोगी ने हमें ये बताया है कि आप पर और आपकी पत्नी पर धमकाने का आरोप लगाया गया है इन सज्जन द्वारा, जिन्होंने ये शिकायत दर्ज कराई है, और ये उन्हीं महिला के साथी बताए जा रहे हैं जिन्होंने सार्वजनिक रूप से आपसे आकर अपने रिश्तों के बारे में स्पष्टीकरण की बात कही थी। ऐसे में पूछ रहा हूँ कि अभी मैं आपके खिलाफ एक एफआईआर लगा देता हूँ कि आपने मुझे धमकाया, तो आपके पास कोई साक्ष्य होना चाहिए। देखिए, एक तो क्या है ना, इसमें जिम्मेदारी का भाव थोड़ा सा चैनल्स पर आप सबका भी होना चाहिए। जैसे आपके चैनल पर अब पूरा किस्सा क्या है, आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि मैं हजारों लाखों लोगों के साथ फोटो खिंचाता हूँ, किसी के साथ फोटो खींचा, नेट पर कुछ लोगों ने जिनके फोन नंबर उपलब्ध है वो फोटो लगाया और कहा कि ये वो लड़की है जिससे रिलेशन है, उस लड़की ने कहा जी मेरे लिए परेशानी हो रही है, तो हमने कहा एफआईआर कर दी, जाके उसने एफआईआर करा। वो चार लोग आज तक नहीं पकड़े गए हैं। और जहां तक हमारी बात है, तो हैशटैग चलाए बिल्कुल बाहर निकलिए। विश्वास जी, जहाँ तक पत्रकारिता की बात है, तो हमारा चैनल पत्रकारिता के तमाम मापदंडों को सबसे ऊपर रखते हुए, उनके सर्वोच्च मापदंडों को ध्यान में रखते हुए कोई भी खबर दिखा रहा है, और पूरा हमारी कोशिश भी रही है कि इस पूरे मामले को लेकर पूरा ब्यौरा और जो पूरी कहानी रही है वो हम लगातार दर्शकों को बताते रहे। आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, आईबीएन से मैं जानना चाह रहा हूँ कि इसमें कांड कहाँ था जो आपने दो दिन तक कुमार कांड चलाया? कांड क्या था इसमें? कोई कांड था? मैंने कोई कांड कर दिया था? मेरी जी से जान पहचान थी? कोई संबंध थे? किसी ने आरोप लगाया? क्या उस लड़की ने कहा ऐसा है? क्या मैंने कहा? क्या किसी और ने कहा? और आप लोग चलाते रहे, तो मैंने तो इस पर कभी स्पष्टीकरण नहीं। विश्वास जी, जिस तरीके से वो डीसीडब्ल्यू के पास गई, दिल्ली कमीशन फॉर वुमेन के पास, और जिस तरह का वहाँ पे काफी हंगामा हुआ, हम सब ने देखा। आपसे मैं सिर्फ इस एफआईआर के पास सुबह के कर देता हूँ, आप चलाएंगे अपने बारे में कांड? ऐसा नहीं है। आप समझने की कोशिश करिए, आप इतना जानिए कम से कम कि अगर किसी ने ये कहा कि जी मेरे बारे में फेसबुक पर गलत बातें लिखी जा रही हैं, तो जो लिख रहे हैं उनको पकड़िए, उनका लिखिए ना कांड, लिखिए। अच्छा ठीक है, अभी जो विश्वास जी, अभी जो पुलिसिया कार्रवाई के बारे में, इस एफआईआर के संदर्भ में जो जानकारी मिल पा रही है, पुलिस क्या कार्रवाई करेगी? आप मेरी बात सुनेंगे? आप मेरी बात सुनेंगे तभी जवाब भी दे पाएंगे। मैं आपसे यही कह रही हूँ कि पुलिस ने ये बोला है कि वो जांच करेगी उस नंबर का, कि जिस नंबर से वो धमकी, जांच करेगी ना नंबर की, नंबर मेरा नाम है कि नहीं है। बिल्कुल, ये जांच करेगी। बस तो जब आपकी जांच, आप खुद कर लीजिए ना, आजकल तो ट्रू कॉलर है, आप आपके फोन में भी होगा, आप इतना अच्छा चैनल है, अभी लगाइए, जिस नंबर पर आप बात कर रहे हैं उस नंबर को लिख के देखिए, मेरा नंबर है। मेरा सवाल खत्म ही नहीं हुआ विश्वास जी, मैं आपसे ये पूछना चाह रही थी कि जब ये जांच पूरी हो जाती है और उसके बाद इस एफआईआर के बिना पर अगर पुलिस आपको बुलाती है पूछताछ के लिए, तो क्या आप जाएंगे? मेरे को तो पूरे भारत की 700 जगह की पुलिस बुलाएगी, तो मेरे को यही काम रहेगा कि मैं दैनिक रूप से जाऊंगा, यही तो कारण है। 187 मुकदमे, देखिए क्या है, कांग्रेस के एक बड़े ही निकम्मे सांसद हैं जो संसद में 10 साल बोले नहीं, आए नहीं, उनका निकम्मापन ये देश जानता नहीं था, वो बहुत मैनेज करते थे। मैं पहली बार 2 साल पहले मैंने उनका एक राष्ट्रीय नामकरण किया, उन पर हमला किया, अमेठी में जाके मैंने उनके बारे में बताया कि वो निकम्मे हैं। तब से कांग्रेस की पूरी वंश परंपरा इस बात से दुखी है, और 187 मुकदमे मुझ पर हो चुके हैं। अब ये 1000, तो आप जाएंगे पुलिस के पास? आप ये कह रहे हैं ना, अगर पुलिस बुलाती है तो आप चले पुलिस के पास? भारत की पुलिस इतनी अराजक है कि मैं आपका नाम लिखवा दूं, कल को आपके चैनल हेड का नाम लिखवा दूं, आपके चैनल के ओनर्स का नाम लिखवा दूं, तो वो जाएंगे क्या? विश्वास जी, मुझे लगता है कि इसमें कोई भी नहीं, देखिए अभी एफआईआर की कॉपी भी हम लगातार अपनी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जो जो आरोप उन पर आप पर लगाए हैं उन्होंने, और मैं वो तो पुलिस जांच कर ही रही है। मैंने आपसे यही तो सवाल पूछा कि क्या पुलिस का सहयोग करेंगे अगर आपको बुलाती है तो? बुलाया है, हम तो ये कह नहीं रहे। इसमें क्या सहयोग होता है देवी? इसमें तो सिर्फ इतना सहयोग होता है कि मेरा नंबर है या नहीं है। पीसीओ से धमकी थोड़ी दूंगा किसी आदमी को, मेरी आवाज है कि नहीं है। वो एक आदमी लिखवा देगा, वो एक तहरीर दे आएगा, आपके लिए दिन भर का उत्सव हो जाएगा। क्योंकि ये नामजद एफआईआर है कुमार विश्वास जी, सीधे सवाल आपसे इसलिए पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये नामजद एफआईआर है आपके और आपकी पत्नी के खिलाफ, इसलिए आपसे हम सवाल पूछ रहे हैं।
हम क्यों, अरे मैं कहता हूँ अगर हम लड़ेंगे आपके खिलाफ क्यों नहीं, किसी के खिलाफ क्यों नहीं हो रही, क्योंकि कोई राहुल गांधी के, कोई राहुल गांधी को एक्सपोज नहीं कर रहा था, उनके खिलाफ क्यों होगी? शहजादा, शहजादा बोलने वाले एक्सपोज क्या करते थे, लड़ते ही नहीं थे उसके खिलाफ। कुमार विश्वास जी, अभी तो हम आप ही के मामले की बात कर रहे हैं, आप कहाँ पे जा रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? अच्छा मुझे ये बताइए कि अगर आपकी आवाज के सैंपल के मिलान के लिए पुलिस आपका सैंपल मांगना चाहिए तो आप देंगे? मैं आपसे कह रहा हूँ कि मैंने आपसे पूछा आप देंगे कि नहीं देंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा। क्या अगर आप, बहुत सिंपल सा सवाल पूछ रहा हूँ कि आप एक महिला है, एक चैनल है, किसी चीज की एक संवेदनशीलता होती है, आपने बड़ी आसानी से कहा आपकी और आपकी पत्नी के खिलाफ, क्या कर दिया भाई मैंने? क्यों एक भद्र महिला का नाम आप बार बार ले रहे हैं, क्यों आप बार बार बोल रहे हैं कि एफआईआर में मेरा नंबर है, नाम है? कोई भी व्यक्ति जाके तहरीर दे सकता है, कोई भी व्यक्ति जाके एफआईआर कर सकता है, हिंदुस्तान में लाखों थाने हर जगह हो सकती है आपको रिपोर्ट नहीं, क्योंकि आप पब्लिक फिगर है ना, लेने के बजाय आप उनसे कुमार विश्वास जी यहाँ पे 100 लोगों के खिलाफ एफआईआर रोज होती है, मेरी बात सुनिए, पूछिए किस नंबर से कॉल आई, क्या कुमार विश्वास मेरी आप बात तो सुनिए, हो गया उनसे कभी संवाद हुआ है? अगर आप लोगों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं तो सवाल का आप जवाब भी सीधा दे दीजिए। भाई आप सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं, एक नामी शख्सियत हैं, इसलिए अगर आपसे जुड़ा कोई भी मामला आएगा तो आपसे पूछा जाएगा ना, एफआईआर तो हजारों होती है देश के अंदर, क्योंकि आपके नाम के साथ जुड़ी एफआईआर, इसलिए आपसे सवाल पूछ रहे हैं। अरे सार्वजनिक जीवन जी रहे हैं तो मेरी पत्नी और मैं अपराधी हैं क्या? मेरे पिता अपराधी हैं क्या? सार्वजनिक जीवन जिएंगे तो कोई भी आदमी एफआईआर लिखेगा, आप उसको फोन करके पूछिए। कुमार विश्वास जी, देखिए हमारा सिर्फ काम है खबर को रिपोर्ट करना, जो जगह तवाना जिन्होंने एफआईआर की है वो इस वक्त हमारे साथ हैं, अगर वो भी सामने अपनी पूरी बात रख दे तो अच्छा होगा कि आप भी बात करें। करते नहीं, आपका काम यही है कि आप इस तरह की बातों का कुमार कांड चलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी इस महान पत्रकारिता की। तो कुमार विश्वास यहाँ पे आम आदमी पार्टी के नेता, जो कि किसी भी सवाल का सीधा जवाब देने की फिलहाल मंशा नहीं रख रहे थे, हालांकि उनसे पूछा गया कि अगर फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की बिना पर और पुलिस की जांच पर उनको बुलाया जाता है, उनके वॉइस सैंपल लेने की कोशिश की जाती है तो क्या वो सहयोग करेंगे, हालांकि इस पूरे मामले को और इस पूरी एफआईआर को बेबुनियाद बताने की कोशिश में और जुगत में लगे रहे कुमार विश्वास। तो हम आपको यहाँ पे खबर दिखा रहे हैं और ये तस्वीर दिखा रहे हैं उस एफआईआर की जो कि दायर की गई है कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया है कि कुमार विश्वास और उनकी पत्नी ने धमकाने की कोशिश की है। ये पूरा मामला उसी मामले से जुड़ा है जहाँ पे एक महिला ने कुमार विश्वास से कहा था कि वो सार्वजनिक रूप से संबंधों का स्पष्टीकरण कर दें लोगों के आगे, और इस पर कुमार विश्वास का कहना है कि वो ऐसी किसी भी एफआईआर को फिलहाल नहीं मानते हैं। उन्होंने कहा कि उन्होंने कोई फ़ोन नहीं किया है उनसे, हालांकि ये पूछने की ज़रूर कोशिश की गई थी कि क्या इस पूरी जांच में अगर नोएडा पुलिस उनसे संपर्क करती है तो क्या वो सहयोग करेंगे, तो इस पर भी कोई साफ जवाब कुमार विश्वास नहीं दे पाए। और उन्होंने कहा कि क्या देश की पुलिस अराजक है कि जो किसी से किसी की भी एफआईआर पर पूछताछ करना शुरू कर देगी। फिलहाल ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की हम आपको कॉपी दिखा रहे हैं, आईबीएन 7 के पास ये एफआईआर की कॉपी है जो कि जगत अवाना, जो कि उस महिला के साथ ही बताए जा रहे हैं जिन्होंने कुमार विश्वास से सार्वजनिक रूप से आके रिश्तों के बारे में स्पष्टीकरण करने की बात कही थी, उन्हीं के साथी द्वारा ये एफआईआर दर्ज की गई है। और इस एफआईआर में ये लिखा गया है कि कुमार विश्वास और उनकी पत्नी ने उन्हें धमकाया फोन कर। आपको बता दें ये नामजद एफआईआर है, सीधे सीधे कुमार विश्वास और उनकी पत्नी का नाम इस एफआईआर में लिया गया है। और लगातार इस खबर पर हम आपको तमाम अपडेट देंगे, हमारे सहयोगी ब्रजेश तिवारी लगातार हम तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। इससे थोड़ी देर पहले जब हमारी ब्रजेश से बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि अब इस एफआईआर के सामने आने के बाद अब पुलिस सबसे पहले इस पूरे मामले को जांचने की कोशिश करेगी। जिस नंबर से ये फ़ोन आया, जिस वक्त ये फ़ोन किया गया, उस वक्त कुमार विश्वास कहाँ थे, ये नंबर क्या कुमार विश्वास के नाम पर है, किसने ये फ़ोन किया, ऐसी तमाम जो सवाल होंगे इस मामले से जुड़े हुए प्राथमिक रूप से उनको पहले जांचा जाएगा, और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है कुमार विश्वास और उनकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए। तो कुमार विश्वास और उनकी पत्नी दोनों पर धमकी देने का आरोप लगा है। ब्रजेश तिवारी हमारे साथ हैं, ब्रजेश जानना चाहेंगे अब तक कोई अपडेट, हालांकि आपने बताया था थोड़ी देर पहले कि 10 ही मिनट हुए हैं इस एफआईआर को दायर किए, कोई नई बात, कोई नई खबर इस पूरे मामले को लेकर? ब्रजेश अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जानना चाहूंगी कोई अपडेट मिला आपको अब तक? बिल्कुल, फिलहाल देखिए अपडेट में यही है कि फिलहाल पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है, जांच की प्रक्रिया है, जांच अब जांच शुरू हो चुकी है इसकी। अब ये देखना होगा कि आखिरकार पुलिस कब बुलाती है कुमार विश्वास को और उनकी पत्नी को पूछताछ करने के लिए, उनसे बात की जाएगी, कम्युनिकेशन किया जाएगा, और ये उनको ये पुलिस अब जांच में आगे बढ़ाएगी कि क्या कुछ जो आरोप लगाए गए हैं उनमें कितनी सच्चाई है, कब धमकियां मिली, किस किन माध्यमों से धमकियां मिली और उसके बाद क्या कुछ कार्रवाई की गई, ये पुलिस की इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन मुश्किल जरूर बढ़ सकती है क्योंकि
धमकी देने का मामला दर्ज हुआ है दोनों लोगों के खिलाफ, और अब ये देखना होगा कि पुलिस कब बुलाती है। लेकिन कहीं ना कहीं बड़ी खबर अपने आप में है कि कुमार विश्वास के खिलाफ FIR होती है, और ये मामला पुराना मामला है इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है, क्योंकि जगत सिंह अवाना जिन्होंने FIR कराई है उन्होंने ये बात भी कही थी, शुरुआत में भी ये बात कही थी कि जब वो उस पीड़िता की पैरवी कर रहे थे उस वक्त भी उनको धमकियां मिली थी और बार बार धमकियां मिल रही थी, आखिरकार वो पुलिस के पास गए और अब FIR कराई गई है। लिहाजा पुलिस पुराने मामले से लेकर और अब तक जो जो हुआ है, एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या कुछ रहा, कब फोन आया, किसके माध्यम से धमकियां मिली है, तमाम चीजें हैं पुलिस वेरीफाई करेगी, वेरीफाई करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। लेकिन मुश्किल जरूर है, देखना होगा कि पुलिस अब कब इन दोनों लोगों को बुलाती है पूछताछ के लिए। बिल्कुल ब्रजेश, ऐसे में ये चीज भी साफ कर दीजिए, क्या पुलिस पहले इस FIR के बिना पर ये जांचने की कोशिश करेगी कि कॉल डिटेल्स के बारे में खंगालेगी, नंबर किसका है, आवाज किसकी, पहले इसको जांचेगी और उसके बाद अगर कोई तथ्य सामने आते तो ही बुलाया जाएगा कुमार विश्वास को, या फिर इस जाँच के पहले भी बुलाया जा सकता है? बिल्कुल, देखिए FIR जब कंप्लेन दी गई थी, कंप्लेन देने के बाद पुलिस ने इनिशियल वेरिफिकेशन किया, इनिशियल जांच की है, जांच करने के बाद FIR की गई है, यानी पुलिस को ये लगता है कि जो आरोप लगाए गए हैं कुमार विश्वास और उनकी पत्नी। ब्रजेश, इस सवाल को लेकर मैं आपके पास वापस आती हूँ। इस बीच हमारे साथ वो महिला है जिन्होंने कुछ ही रोज पहले DCW में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां पे वो चाह रही थी कि कुमार विश्वास पब्लिक में आकर उनके रिश्तों के बारे में स्पष्ट रूप से कहें कि उनका और कुमार विश्वास का किसी भी तरह का कोई संबंध नहीं रहा है। उनसे दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे, वो हमारे साथ थी लेकिन अभी फिलहाल उनसे हम नहीं जुड़ पा रहे हैं। ब्रजेश तिवारी लगातार हमारे साथ हैं। ब्रजेश, एक बार फिर से हमारे दर्शकों को ये स्पष्ट कर दीजिए, आपका जवाब अधूरा रह गया, कि क्या पहले पूरी जांच की जाएगी, कॉल डिटेल्स को खंगाला जाएगा, उसके बाद कोई तथ्य होंगे तो ही पुलिस बुलाएगी कुमार विश्वास को, या इसके पहले भी बुलाया जा सकता है? ब्रजेश, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो ब्रजेश से भी हम यहाँ पे लगातार तमाम अपडेट लेने की कोशिश करेंगे। फिलहाल हम आपको बता दें ये दो तस्वीरें जो कि बता रहे हैं कुमार विश्वास से जुड़े इस पूरे मामले को, जहाँ एक तरफ जो पुराना मामला रहा था कुमार विश्वास का, जहाँ पर एक महिला ने ये आग्रह किया था कुमार विश्वास से कि वो पब्लिक में आके रिश्तों के बारे में स्पष्टीकरण करे, वो DCW भी गई थी। वो महिला इस वक्त हमारे साथ हैं हमसे बात करने के लिए। आपसे जानना चाहेंगे, एक नई FIR दर्ज की गई है जहां पे कुमार विश्वास पर और उनकी पत्नी पर धमकाने का आरोप लगा है। क्या आप मेरी आवाज सुन पा रही है? हाँ जी, मैं आपकी आवाज सुन पा रही हूँ जी, बताइए जी। बिल्कुल, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, एक नई FIR दर्ज की गई है नोएडा में आपके साथी जगत अवाना की तरफ से, जहां पर ये कहा गया है कि कुमार विश्वास और उनकी पत्नी उनको धमका रहे थे क्योंकि वो आपका साथ दे रहे हैं। जी एक्चुअली ऐसा हुआ था कि मुझे भी कई बार धमकियां मिली थी। आपको फोन आया था? सॉरी, आपको फोन आया था ये धमकी? हाँ, मुझे फोन भी आया था और मुझे दो चार बार लोगों ने भी रोक कर बोला कि मैं इस कंप्लेन को वापस ले लूं, कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के अगेंस्ट मैं ऐसा क्यों कर रही हूं। मुझे कई बार फोन पर भी बोला गया और मेरे फेस टू फेस भी लोगों ने रोक कर बोला मुझे। अच्छा, तो मुझे ये बताइएगा कि ये फोन किया किसने था, क्या कुमार विश्वास और उनकी पत्नी ने खुद ये फोन किए आपको? जी कुमार विश्वास और उनकी पत्नी ने तो नहीं किया था मुझे कॉल, लेकिन मेरे पास जो कॉल आई थी उनके खास पीए शैल की आई थी। उनके पीए शैल की आपको ये कॉल आई थी? जी उनकी कॉल आई थी, उन्होंने मुझसे बोला था कि मैं जो भी कर रहा हूँ एक बार सोच लूँ समझ लूँ, वो मेरी बचपन से रिकॉर्डिंग जानते हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी वो मुझसे बोल सकते थे उन्होंने वो बातें बोली मुझसे, और मुझसे ये कहा गया कि अभी भी मैं कुछ करने से पहले एक बार सोच लूँ कि मैं किस आदमी के खिलाफ ये कर रही हूँ। क्या अब यहाँ पे कोई साक्ष्य है जिससे कि ये कहा जा सके कि जिन्होंने फोन किया वो शैल ही थे, कुमार विश्वास के पीए ही थे? हाँ बिल्कुल, उनका नंबर मेरे पास है, उनकी वॉइस रिकॉर्डिंग है मेरे पास। नंबर और वॉइस रिकॉर्डिंग आपके पास उनके पीए का है जिन्होंने आपको फोन किया? हाँ बिल्कुल। और जो FIR दर्ज की गई है क्या उसमें भी ये नंबर, ये वॉइस रिकॉर्डिंग, ये पूरा ब्यौरा दिया गया है? जी मैं समझ नहीं पाई आपकी बात। आपके साथी की तरफ से एक FIR दर्ज कराई गई है नोएडा पुलिस स्टेशन में, मुझे उम्मीद है कि आपको इस बारे में पता होगा। जी हाँ मुझे ये तो पता था कि एक FIR, तो इस FIR में क्या ये नंबर, हाँ तो धमकियां दी जा रही थी। हाँ तो इस FIR में कुमार विश्वास के इनके नंबर और जिन्होंने आपको फोन किया है जिनका नाम आप शैल बता रही हैं जो पीए हैं कुमार विश्वास का, क्या उनका ये नंबर और तमाम साक्ष्य जो आपके पास हैं कॉल डिटेल्स हैं वो क्या ये दी गई हैं FIR में?
तो हमारे साथ ये महिला थी जिन्होंने ये आरोप लगाया था और मांग कर रही थी कुमार विश्वास से इस पूरे मामले पर स्पष्टीकरण की सार्वजनिक रूप से, और इनके साथ ही जगत अवाना जिन्होंने FIR दर्ज की है कल धमकाने का आरोप जो लगाया है वो खुद हमारे साथ हैं। आपसे जानना चाहेंगे इस FIR को लेकर कुमार विश्वास साफ तौर पर कहते हैं कि बेबुनियाद है ये FIR और ये सारे इल्जाम। बेबुनियादी बातें नहीं करता मैं, पिछले पुलिस जो है इसकी जांच की रही है एक महीने से, पहले एक महीने पहले पुलिस को जो मेरे पास कॉल आए थे उनकी रिकॉर्डिंग और उनके नंबर दो नंबर उनसे मेरे पास कॉल आई थी, दोनों नंबर मैंने पुलिस को उपलब्ध कराए थे, SSP साहब ने खुद उसमें जांच कराई थी। जी बिल्कुल, तो जगत अवाना यहाँ पे हमारे साथ I-7 से जुड़े हुए जो कि कहते हैं कि आरोप बिल्कुल भी बेबुनियाद नहीं है, बल्कि तमाम तथ्यों और साक्ष्यों को सामने रखते हुए उन्होंने ये FIR दर्ज कराई है। और इस पूरे मामले को लेकर थोड़ी देर पहले हमने कुमार विश्वास से भी बात की, आइए सुनते हैं क्या कहना है उनका। तो लगातार इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है जहां पर इस पूरे मामले में आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास और उनकी पत्नी के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, उन पर धमकाने का आरोप लगा है। आपको बता दें धमकाने का आरोप उन्हीं महिला के साथी ने लगाया है जिन्होंने कुछ ही रोज पहले यहां पे कुमार विश्वास से सार्वजनिक रूप से रिश्तों के स्पष्ट करने की बात कही थी। क्या कहा कुमार विश्वास ने इस पूरे मामले को लेकर, उन महिला का क्या कहना है, शिकायतकर्ता का क्या कहना है, बताते हैं थोड़ी देर में।